शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरम्पराम् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नमः श्री शंकरानन्दं गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहक्रासैककर्मणे। ग्रंथकार ने चिदाभास की सात अवस्थाओं का वर्णन किया और ये सिद्ध किया कि यह अवस्थाएं आत्मा या ब्रह्म की नहीं है, सारी अवस्थाएं जीव की ही है। उस जीव को यहां पर विक्षेप कहा गया या चिदाभास कहा गया। जीव ही अज्ञानी है और जीव ही दुखी है, जीव ही संसारी है। कहते हैं कि सात अवस्थाओं में से प्रथम तीन जो है वो बंधन देने वाली। अब इस बंधन से यदि हमको मुक्त होना है तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए अब आगे की अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है और आपको स्मरण होगा आगे की अवस्था है परोक्ष ज्ञान। अज्ञान है, फिर आवरण है, फिर विक्षेप है और अब इस विक्षेप को ही, इस जीव को ही ज्ञान होता है। पूर्व सुकृत के कारण, सुकृत मतलब पुण्यों के कारण, भगवत कृपा के कारण दो हेतु बताए गए हैं, संत मिलन में या गुरु के मिलन में। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिना पुण्यों के परिपाक के बिना सदगुरु नहीं मिलते। और दूसरा हेतु बताया है ईश्वर अनुग्रह देव, ईश्वर की कृपा से। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद भक्ति सूत्र में भी यही कहा कि कृपा के द्वारा गुरु की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं गुरु के चरणों में बैठकर वह शिष्य जो है श्रवण करता है और जब श्रवण करता है तो उसको समझ में आता है कि मैं कौन हूं, उसको समझ में आता है कि मैंने अब तक क्या गलती की, मेरी भ्रांत धारणाएं मुझको दुखी कर रही थी, दुख दे रही थी, तो उसको ज्ञान होता है। इसलिए अब यहां पे परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान जो चौथी और पांचवी अवस्था है ना, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो 44वां श्लोक 44। ज्ञानत्वयेन नष्टेस्मिन् अज्ञाने तत्कृतावृत्तिहि न भाति नास्ति चेत्तेषा द्विविधापि विनश्यति। ज्ञानद्वयेन नष्टेस्मिन् अज्ञाने तत्कृतावृत्तिहि न भाति नास्ति चेत्तेषा द्विविधापि विनश्यति। कहते हैं ज्ञानद्वयेन नष्टे,
ज्ञान द्वय से अज्ञान नष्ट होता है। ज्ञान द्वय मतलब परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, इनके कारण क्या होता है? तो बोले अज्ञान नष्ट होता है। मतलब क्या होता है तो लिखते हैं, अज्ञाने तत्कृत आवृत्ति ही। अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान के नाश से जो आवरण था, अज्ञान जन्य आवरण, वो नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है तो क्या उसको ज्ञान होता है? तो देखो, अज्ञान अवस्था में उसको क्या लग रहा था? नास्ति, न भाति, ये पहले की स्थिति है। विचार करने के पूर्व आपने सुना था ना प्राग भाव, विचार के पहले न भाति न अस्ति, न तो वह है न तो कुछ उसका भान होता है। लेकिन अब जैसे ही उसको ज्ञान हुआ तो अज्ञान नष्ट हुआ, तो अज्ञान जन्य आवरण भी नष्ट हो गया। मतलब अब वो कहता है अस्ति और कहता है भाति, तो ये दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते हैं, न अस्ति और अस्ति, न भाति और भाति। एक के आने पर दूसरे का तो व्यावर्तन हो ही जाता है। तो इस प्रकार अज्ञान कारण है, उस कारण का कार्य है आवरण, और आवरण का स्वरूप क्या कि मैं नहीं है, कूटस्थ नहीं है, ये आवरण बुद्धि पे होता है। तो यही भान होता है, नास्तिकता रहती है। और दूसरी बात कि वो कभी भान उसका होता ही नहीं है तो क्यों माना जाए, इस तरह की उसकी गलत धारणा होती है। लेकिन जब वो सुनता है, श्रवण करता है, तो उसका ज्ञान, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और देखिए, अब आपको बताया था आवरण दो प्रकार के, न अस्ति वह नहीं है, ये एक आवरण है, और उसका भान नहीं होता, ये आवरण का दूसरा रूप है। इसको हमने संकेत किया था असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। तो परोक्ष ज्ञान से क्या होता है और अपरोक्ष ज्ञान से क्या होता है, मतलब परोक्ष ज्ञान से कौन सा आवरण नष्ट होता है और अपरोक्ष से कौन सा, तो ये निरूपण अगले श्लोक में, 45वें श्लोक में देखिए। परोक्ष ज्ञान तो नश्येत असत्वावृत्ति हेतुताम, अपरोक्ष ज्ञान नाश्याम यभानावृत्ति हेतुताम। परोक्ष ज्ञान तो नश्येत असत्वावृत्ति हेतुताम, अपरोक्ष ज्ञान नाश्याम यभानावृत्ति हेतुताम। सरल श्लोक है, कहते हैं परोक्ष ज्ञानतः, परोक्ष ज्ञान से असत्वावृत्ति हेतुता नश्येत। जो असत भाव था हमारा कूटस्थ के प्रति कि नहीं है नहीं है, इसी को असत्वापादक आवरण कहा। तो बोले ये परोक्ष ज्ञान से यह जो आवरण है नष्ट हो जाता है। असत्ता रूपी आवृत्ति की हेतुता नष्ट हो जाती है। मतलब असत है क्यों लग रहा है? क्योंकि अज्ञान है, नहीं है नहीं है। अच्छा, अब अज्ञान को हटाना है तो क्या सुनना ही पड़ेगा, तो परोक्ष ज्ञान हुआ। तो देखिए, यह बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक बात है। भगवान के प्रति हमारे मन में ये भाव है कि वो तो है ही कि नहीं है, और यदि यही भाव है कि वो नहीं है, तो यदि हम श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं किसी समर्थ आचार्य के मुख से, हाँ, जो विद्वान है, तर्क युक्त ढंग से विषय को सामने रखता है, श्रुति का प्रमाण लेता है, तो भीतर ये भाव बन जाता है कि हाँ है।
मैं गलत था, वो है। और इसी को कहते हैं परोक्ष ज्ञान, अस्ति। तो देखो, परोक्ष ज्ञान से नास्तिक जो भाव था, न अस्ति वाला भाव चला गया, और अपरोक्ष ज्ञान नाश्या। और जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो बस फिर क्या था, फिर बोले अभान आवृत्ति हेतु था। अभान रूप जो उसको आवरण था उसके ऊपर, कि ठीक है तो मान लिया, लेकिन अनुभव तो होता ही नहीं है। तो बोले जब उसको अपरोक्ष ज्ञान होगा अपने आत्मस्वरूप का, कि अरे वह तो मैं ही हूं, तो उसको फिर भान हो जाएगा। जो अभान था, जो ये शिकायत कर रहा था कि अनुभव नहीं होता, श्रद्धा से मान तो लिया, परोक्ष ज्ञान में श्रद्धा से मान लिया कि हाँ है, क्योंकि अभी बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन उसका संतोष कब होगा, उसको सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, जो अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान होते ही अभान, अभान की एक शिकायत थी कि उसका भान नहीं हो रहा है, वो हो जाता है। तो इस तरह परोक्ष ज्ञान से असत्ता का नाश हुआ और अपरोक्ष ज्ञान से अभान हो गया। अब यहां पर कहते हैं कि जब अपरोक्ष ज्ञान उसका हो जाता है तो आगे क्या घटना घटती है। ठीक है, अब ये मालूम हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं कूटस्थ हूं। अब इसका परिणाम क्या होगा, तो देखिए, अभानावरणे नष्ट जीवत्वारोप संशयात कर्तृत्वाद्यखिल शोकः संसाराख्यो निवर्तते। अभानावरणे नष्ट जीवत्वारोप संशयात कर्तृत्वाद्यखिल शोकः संसाराख्यो निवर्तते। हाँ, बोले अभान रूप आवरण नष्ट हो जाने पर क्या हो जाता है, जीवत्व का जो आरोप है वो भी नष्ट हो गया, मतलब जीव भाव जो है वो समाप्त हो गया, परिच्छिन्नता का भाव, एक वैयक्तिकता का भाव कि मैं इतना हूं, अब हूं, आगे नहीं रहूंगा, ये जो गलत भावना थी उसी को जीवत्व कहते हैं। हाँ, हम लोग जी रहे हैं और जीने की जो क्रिया है उसी को कहते हैं जीवन। तो हम लोग इस जीव भाव में पड़े हुए हैं, लेकिन बोले जब अपरोक्ष ज्ञान होता है तो ये इंडिविजुअलिटी फूट गई, टूट गई, घटाकाश जो है वो महाकाश में विलीन हो गया, घट टूट गया। घट का टूटना ही क्या है, जीवत्व का क्षय है। आकाश में वैसे तो कोई उसका व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन जैसे ही घट में वो घिर जाता है आकाश, तो फिर घटाकाश का एक व्यक्तित्व हो जाता है। उसमें पानी रख सकते हैं, उसमें अन्न रख सकते हैं, पैसा रख सकते हैं, उसमें व्यवहार चालू हो जाता है। तो बोले ये जीवत्व ऐसा ही घटाकाश की तरह है, कूटस्थ को हमने सीमित कर दिया। तो बोले जब अपरोक्ष ज्ञान होता है और उसको अपने असली रूप का भान होता है तो जीवत्व गया, जीवोहम ये वृत्ति गई। अच्छा, जीवत्व आरोप संशयात, जब जीव भाव चला गया तो बोले आगे की भी कहानी सुनिए, सब चीज धीरे 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 खत्म। आगे क्या हुआ, कर्तृत्वादि अखिल शोकः, जीवत्व गया तो फिर कर्ता भाव गया, क्योंकि जीवत्व के कारण ही कर्ता भाव है। हाँ, आत्मा में तो कोई कर्तृत्व है नहीं, चैतन्य तो
निष्क्रिय है, अकर्ता है, वो क्रिया कर ही नहीं सकता, उसमें कोई अवयव नहीं है, कोई अंग नहीं है, वो सीमित नहीं है। इसलिए गीता में बार बार बताया है कि भाई करने वाली तो प्रकृति है, आप जबरदस्ती वो प्रकृति की भूमिका को आप क्यों ले रहे हो अपने ऊपर, उसको वही रहने दो, प्रकृति को करने दो, आप उसमें अभिमान मत करो, मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। इसलिए भगवान नाराज होते हैं, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, व्यर्थ ही आ बैल मुझे मार, आमंत्रण दे रहे हैं हम समस्याओं को कर्ता भाव ओढ़ करके। तो बोले जीवत्व जब तक है तब तक ये चलते रहेगा, जीवत्व का नाश होते ही ये ज्ञान होगा कि मैं तो प्रकृति का माया का साक्षी हूं, क्रिया मेरे में नहीं है, मेरी उपस्थिति में क्रिया हो रही है वो अलग बात है, लेकिन मैं स्वयं कर्ता नहीं। तो कर्तृत्वादि अखिल शोक संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जितने ये सब गलत हमने अपने बारे में आरोप कर लिए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और इसी का तो नाम संसार है, कर्ताभाव आदि का नाम ही संसार है, कर्ताभाव आया नहीं कि संसार। इसलिए संसार आख्य संसार नामक ऐसा लिखते हैं, संसार नामक ये जो कर्ता भाव है, देखो हम लोग बोलते हैं संसारी, तो बिना कर्ता बने हम संसारी होंगे क्या? आत्मा तो असंसारी है, आत्मा तो न मरता है न पैदा होता है, तो ये जीव जो है यही है जीव की कहानी। तो संसार नष्ट होने से जो संसारीपना हमको लग रहा था, मैं बदल रहा हूं मैं बदलूंगा, दोनों तरफ से बदल हम अनुभव करते हैं, बिगड़ गया हूं मैं या सुधर गया हूं, ये जीव की ही सब कहानी है। कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान से भान हो जाता है, अपनी महिमा को हम जान पाते हैं, और तब देखता है कि न तो मैं कहीं आता हूं न जाता हूं, न करता हूं न भोगता हूं, तो निवर्तते, यहां संसार जो है क्या होता है, निवृत्त होता है, हो गया। तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण, अपरोक्ष ज्ञान से अभान, और उसका परिणाम क्या, जीवत्व गया, जीवत्व जाने से संसरण गया, और जब संसरण गया तो फिर तो आइए अगली स्टेज में हम पहुंचते हैं, निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात् निरंकुशा भवेत् तृप्ति पुनः शोका समुद्भवात्। निवृत्ते सर्व संसारे नित्यमुक्तत्व भासनात् निरंकुशा भवेत् तृप्ति पुनः शोका समुद्भवात्। अब चलिए उसी के आगे का परिणाम, कहते हैं सर्व संसारे निवृत्ते, जब सारे संसार की निवृत्ति हो गई क्योंकि जीवत्व गया, तो फिर क्या होता है, बोले बस फ्री हो गए, मुक्त हो गए, नित्य मुक्तत्व भासनात्, नित्य मुक्ति का अनुभव करने के कारण संसार पूरी तरह क्या हो गया, निवृत्त, अब मैं हो गया नित्य मुक्त, पहले से ही मुक्त था लेकिन अब ये सही मुझको समझ में आया कि अरे व्यर्थ ही अपने आप को मैं जीव मान रहा था और बंधन में पड़ा हुआ था, सपने में जैसे व्यर्थ ही अनुभव कर रहे हैं कि मैं कैद हो गया, जागने पर मालूम पड़ता है। तो बोले यहां पर भी नित्य मुक्ति का अनुभव होता है,
तो दो चीज हो गई, संसार की निवृत्ति और मुक्ति का अनुभव। अच्छा अच्छा ठीक है, मुक्ति 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 क्यों चाहिए है ना, लोग प्रश्न करते हैं। आप बार बार बोलते रहते हो जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष, मुक्त होना इस संसार से, यही ध्येय है, इसी के लिए प्रयत्न करो। तो किसी ने कहा आखिर वाह, हमको मुक्ति ही क्यों चाहिए? बोले मुक्त अवस्था में तृप्ति है, जहां मुक्ति है वहां तृप्ति है। और यह तृप्ति का मतलब क्या, प्रसन्नता, खुशी। मुक्ति वास्तव में व्यक्ति को मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति के बाद मिलने वाली जो तृप्ति है, जो आनंद है वो चाहिए। वो मिलेगा तब जब हम मुक्त होंगे, है कि नहीं? इसलिए मुक्ति मुक्ति की बात की जाती है। एक तरफ हम कहते हैं मुक्ति को प्राप्त करना लक्ष्य है, दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, परमानंद की प्राप्ति करना लक्ष्य है। इसका मतलब परमानंद इज इक्वल टू मुक्ति। अब यहां उस परमानंद या तृप्ति के आगे शब्द डाल दिया, निरंकुशा भवे तृप्ति, निरंकुशा तृप्ति उसको मिल जाती है। यह ऐसी तृप्ति है कि यह मिलने के बाद फिर शोक की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए लिखते हैं निरंकुशा भवे तृप्ति पुनः शोक असमुद्भवा, फिर से शोक की उत्पत्ति नहीं होती, शोक आने की कोई संभावना नहीं है। यदि अच्छी तरह से अपरोक्ष ज्ञान हो गया, मतलब अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तो परोक्ष ज्ञान रहते ये संभावना रह सकती है कि हाँ फिर से शोक वो हो सकता है, फिर भ्रम आ सकता है, लेकिन एक बार अपरोक्ष हो जाने पर फिर उसको शोक नहीं होता, शोक की उत्पत्ति नहीं होती। प्रकाश आ गया, प्रकाश की अवस्था में अंधकार कैसे रहेगा? एक बार भ्रम निवृत्त हो गया, अच्छे से भ्रम निवृत्त हो गया, तो फिर क्यों वापस वो भ्रांत होगा? यदि पक्का हमको मालूम पड़ गया कि रस्सी ही है, अच्छा किसी ने जबरदस्ती कहा है इसलिए हम मान रहे हैं, तो फिर अकेले जाएंगे तो फिर हमको लगेगा अरे अरे साफ है, ये परोक्ष ज्ञानी हुआ है, वो कह रहा है ना इसलिए मैं मानता हूं। लेकिन जब अपने से पक्का हो जाए फिर आप देखिए तो रस्सी दिखाई देगी, फिर भ्रम और शोक उत्पन्न नहीं होगा। तो बड़ा अच्छा लिखा कि यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं या शशि पांडव, गीता में लिखते हैं जिसको जान लेने पर फिर मोह नहीं होता, तो ये अपरोक्ष ज्ञान है। तो संसार की निवृत्ति, नित्य मुक्ति और शोक हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, विदा हो गया। अब जगत का यही तो है, जगत ने भी दुख की निवृत्ति तो हम लोग करते रहते हैं अपने साधनों से, लेकिन वो दुख घूम फिर के फिर आते रहता है, नए नए वेश धारण करके आते रहता है, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिलता नहीं। अभी जैसी जैसा एक कोरोना का ये चल रहा है वायरस, नए नए रूप लेके आ रहा है, लगता है ये वैक्सीन लगाने से हो जाएगा, ओ उसके बाद भी फिर वो आ रहा है, अटैक कर रहा है, अभी उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, नए नए रूप लेके आ रहा है। ऐसे ही जीवन में दुख भी कौन कौन से माध्यम से आते हैं, किस रूप में आते हैं मालूम नहीं, और वो आते रहेंगे। इसलिए कहते हैं विचार करो और इस शोक को हरिओम को निवृत्त करो, तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत। तो इस तरह यहां पर यह प्रसंग वैसे पूरा हो गया, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और निरंकुशातृप्ति, ये बताए थे। अब यहां पे पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया कि
क्या प्रश्न किया? बोले महाराज, आपने इस प्रकरण की शुरुआत की थी कि हम आपको श्रुति का तात्पर्य बताएंगे। ध्यान से सुनना है, बड़ा अच्छा पक्ष उसने रखा। श्रुति कौन सी थी? आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। आपने प्रतिज्ञा की थी कि हम इसका अर्थ बताएंगे और यदि आप अर्थ जान लोगे तो जीवन मुक्ति का आनंद ले पाओगे। हाँ, बोले बताया तो था। तो बोले आप भटक गए बीच में। बोले क्या भटक गए भाई? बोले ये चिदाभास की सात अवस्थाएं, ये जो आपने प्रकरण बताया, ये प्रकरण की क्या आवश्यकता थी? आप तो श्रुति का अर्थ कर रहे थे ना, आत्मानं चेत विजानीया, ये तो अति प्रसंग हो गया है, ये प्रकृत प्रसंग नहीं है। तो बीच में ये सात अवस्थाओं का वर्णन किया आपने, हमको लगता है इसका वो श्रुति से क्या संबंध है? अज्ञान और आवरण और विक्षेप और परोक्ष ज्ञान इत्यादि, तो यहां पर उसका प्रश्न है। तो इसके उत्तर में सिद्धांती कहता है कि महाराज, हम व्यर्थ ही नहीं बताते, आप व्यर्थ ही ये सात अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया है, श्रुति का संबंध इससे है। बोले श्रुति को, श्रुति का तात्पर्य समझाने के लिए अवस्थाओं का वर्णन जरूरी था। अवस्थाओं का वर्णन उसका क्या है? अंग है। उसको कहते शेषत्वेन, मतलब उसको समझाने के लिए ये सात अवस्थाएं बताना जरूरी है, ये उसका शेष भाग कहते हैं, अंग है, उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? तो देखिए, सुनिए 48वां श्लोक। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानं चेदिति श्रुति। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानं चेदिति श्रुति। बोले देखिए, आत्मानं चेदिति श्रुति, ये जो श्रुति है इसमें दो अवस्थाओं का वर्णन है। कौन से अवस्था का? तो बोले अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, साथ में से ये दो है ना। परोक्ष ज्ञान के बाद क्या आता है? अपरोक्ष ज्ञान। उसके बाद क्या आता है? शोक निवृत्ति। उसके बाद आता है निरंकुशातृप्ति। तो बोले आत्मानं चेत, ये जो पंक्ति है इसमें ध्यान से सुनना, अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, ये दोनों अवस्थाओं का वर्णन है। क्योंकि वहां पर क्या कहते हैं, यदि आत्मा को जान लिया, अब जान लिया मतलब कैसे जाना? तो अपरोक्ष ज्ञान। और यदि वो जान लेता है तो उसको कोई पीड़ा होती नहीं, कोई कष्ट होता नहीं, कोई कामना है नहीं, तो क्यों कामना के लिए वो कष्ट करेगा? तो शोक निवृत्ति का भी संकेत किसमें किया है? उस श्रुति में। तो ये दो अवस्थाओं का वर्णन श्रुति में है, इसलिए उन दो अवस्थाओं के आगे पीछे की जो अवस्थाएं हैं उसका वर्णन करना जरूरी था, इसलिए सात अवस्थाओं का वर्णन किया है। यह व्यर्थ में हमको मालूम है अवस्थाएं इसलिए हमने लिख दी, ऐसा नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति आख्ये, आख्ये मतलब नामक, ये अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नामक, उभे ये दोनों अवस्थाएं, इमे उभे अवस्थाएं अवस्थे, ये दोनों अवस्थे जीवगे ब्रुते, जीव में ही है ये बताई गए। और ये बताने के लिए श्रुति ने शब्द बोला है आत्मानं चेत, जीव को जो है ये
दोनों अवस्थाओं का अनुभव होता है। तो आप कोई पूछेगा ये दो अवस्थाएं अपरोक्ष ज्ञान उसको होता है, अयम अस्मि इति पुरुष बोलता है ना, तो फिर प्रश्न आएगा अपरोक्ष ज्ञान कैसे होता है, क्यों होता है, तो फिर पहले की अवस्था बतानी पड़ेगी। और शोक निवृत्ति हो जाती है तो उसको भी बताने के लिए ये पूरा बताना ही पड़ेगा। इसलिए प्रतिपादन हमको करना है अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति का, उसके प्रतिपादन के लिए सात अवस्थाएं बतानी आवश्यक थी। इसलिए ये कोई असंगत या निरर्थक है ऐसा नहीं है। ये अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति प्रवृत्त हुई है और ये अवस्थाओं का वर्णन भी इसी के लिए किया गया कि वो समझ में आए कि ये दो अवस्थाएं कहां फिट होगी, कब आएगी। तो इस तरह ये एक छोटा सा पूर्व पक्ष था, उसको यहां पे उसका समाधान किया। अब एक और पूर्व पक्ष है, बोले देखो आपने अभी अभी कहा कि आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष, जब यह जीव अपरोक्ष रूप से जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, दृढ़ ज्ञान उसको हो जाता है परोक्ष, तो फिर वो मुक्त होता है। अच्छा, अब वो पूर्व पक्षी कहता है कि आप मानते हैं आत्मा अपरोक्ष है। हाँ बोले बिल्कुल मानते हैं, वो कोई परोक्ष नहीं है, कोई दूर नहीं है, वो तो हमारा अपना आपा है। ठीक है, तो अच्छा श्रुति भी अपरोक्ष ज्ञान बता रही है, अयम अस्मि इति पुरुष, यह आत्मा मैं हूं। ठीक है ना, हाँ बोले बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमारा ये प्रश्न आ जाता है कि ये परोक्ष ज्ञान की चर्चा आप क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, जब वस्तु अपरोक्ष है और उसका अपरोक्ष ज्ञान भी होता है, श्रुति यही कह रही है, तो जब अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, वस्तु अपरोक्ष है, तो फिर ये आपने परोक्ष ज्ञान का प्रसंग क्यों लाया कि बोले पहले परोक्ष ज्ञान होता है ना। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। तो परोक्ष ज्ञान की चर्चा व्यर्थ है क्योंकि वस्तु परोक्ष नहीं है ना, वस्तु तो अपरोक्ष है। अब देखो ये प्रश्न हमारे मन में तो आते ही नहीं, इसीलिए ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो यहां पर परोक्ष ज्ञान की सार्थकता बताई जा रही है कि परोक्ष ज्ञान होता है, हो सकता है, भले ही वस्तु अपरोक्ष हो, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब हमको परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान मतलब भ्रम है, परोक्ष ज्ञान होता ही नहीं, सीधा अपरोक्ष ज्ञान ही होता है क्योंकि वस्तु अपरोक्ष है। तो बोले ऐसा नहीं, आप यदि अपने अनुभव को देखे, अनुभव को टटोले, तो ये बात स्वीकार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि परोक्ष ज्ञान भी होता है। तो अब आगे की जो चर्चा है ना, वो चर्चा इस बात के लिए है कि ये सिद्ध करने के लिए है कि परोक्ष ज्ञान कि सार्थकता है, वो होता है, वो कोई भ्रम नहीं है, कल्पना नहीं है। नहीं नहीं, तर्क भले ही आप दे रहे हैं कि वस्तु अपरोक्ष है तो अपरोक्ष ज्ञान बिल्कुल ठीक है, अपरोक्ष ज्ञान ही होना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं बिल्कुल वास्तविकता, तो उसमें परोक्ष ज्ञान की भी एक स्थिति होती है, बनती है। तो यही विषय यहां पे लिया जा रहा है। अब उसको समझाने के लिए बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। तो देखो कैसे शुरुआत करते हैं, 49, अयमित्यपरोक्षत्वं उक्तं तद्विविधं भवेत् विषयस्वप्रकाशत्वात् धियापेवं तदीक्षणात् अयमित्य
प्रत्यपरोक्षत्वं उक्तं तद्विविधं भवेत् विषयस्वप्रकाशत्वात् धियापेवं तदीक्षणात्। पहले देखिए, श्रुति में अयम पद आया है यह, और यह पद से आपने सिद्ध कर दिया, बताया कि अयम पद अपरोक्षता का सूचक है। यह आत्मा मैं हूं, मतलब आत्मा कहीं मेरे से अन्य नहीं, अपरोक्ष है, तो यह अयम पद के द्वारा कहा गया है। हाँ बोले, बिल्कुल ठीक है। अयम इति अपरोक्षत्वम उक्तम, आत्मा की अपरोक्षता बताने के लिए अयम पद का अर्थ, अयम पद को वहां बोला गया। बोले ठीक है। अब बोले आगे सुनिए, ये जो अपरोक्षता है ना, ये भी दो प्रकार की है। तद द्विविधम भवेत, अपरोक्षता भी दो प्रकार की है। अच्छा बोले, कौन सी दो प्रकार की? तो पहला तो कहते हैं विषयस्व प्रकाशत्वात्, पहले तो जो है चिदात्मा की, आत्मा की अपरोक्षता, मतलब आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा अपरोक्ष है। स्वयं प्रकाश होने के कारण मतलब मैं हूं मैं ये जानता हूं। तो ये जो विषय है, यहां पर विषय मतलब आत्मा, ये विषय स्वप्रकाश होने के कारण अपरोक्ष है। स्वप्रकाश होने के कारण मतलब जिसको जानने के लिए अन्य किसी साधनांतर की अपेक्षा नहीं है। तो आत्मा की अपरोक्षता क्यों है? बोले स्वप्रकाशत्वात्, स्वयं वो सिद्ध है, स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, तो क्लियर है कि वो अपरोक्ष है। तो आत्मा अपरोक्ष है, ये स्वतः सिद्ध है, क्योंकि हम अपने को जानते हैं, तो ये एक तरह की अपरोक्षता। और दूसरा क्या? धिया अपि एवं तदक्षणात्, और बुद्धि से भी आत्मा अपरोक्ष है ये जाना जा सकता है। बुद्धि से आत्मा की अपरोक्षता को जानना, जब बुद्धि से आप विचार करोगे आत्मा के बारे में, तो निर्णय क्या आएगा कि भाई आत्मा तो अपरोक्ष है। हाँ, आत्मा कोई दूर चीज नहीं। तो बुद्धि से भी आत्मा अपरोक्ष सिद्ध होता है, और स्वयं प्रकाश होने के कारण हाँ, वो अपरोक्ष है, दूर नहीं है, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान हमको किसका होता है? आत्मा का होता है, मैं हूं, तो ये अपरोक्ष है ही। देखो कैसे तर्क दिए, स्वप्रकाशत्वात् अपरोक्ष, और दूसरा बुद्धि से जब विचार करते हैं तो पहले तो हमको ये समझ में आता है कि हाँ, आत्मा नाम की चीज है, विचार करने में मालूम पड़ेगा आत्मा अपरोक्ष है। तो ये दो प्रकार की अपरोक्षताएं बता दी है। लेकिन यहां पे वो जो पूर्व पक्षी है वो इंटरेस्टेड नहीं है दो प्रकार की अपरोक्षता सुनने में, इसलिए वो क्या कहता है, ठीक है दो प्रकार की अपरोक्षता होगी, उसको रहने दो, लेकिन हमारा मूल प्रश्न ये है कि आत्मा का परोक्ष ज्ञान कैसे संभव है? हम तो ये चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं परोक्ष ज्ञान होता है। अरे भाई, जब श्रुति ने आत्मा को अपरोक्ष बताया है और आप भी आत्मा को अपरोक्ष मानते हैं, तो हमारा तो मूल प्रश्न यही है ना कि अपरोक्ष ज्ञान ही होता है उसका, परोक्ष ज्ञान होता नहीं है। आप उसके बारे में उत्तर दीजिए। अपरोक्षता दो प्रकार की, लेट इट, इसलिए यहां पर कहते हैं, देखिए सुनते हैं इसको, पढ़ के पूर्ण करेंगे। परोक्ष ज्ञान कालेपि विषयस्व प्रकाशता
समाब्रह्म स्वप्रकाशम अस्तित्वं विबोधनात् परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशतां समाब्रह्म स्वप्रकाशम अस्तित्वं विबोधनात्। यहां पर अब कहते हैं ग्रंथकार कि देखो परोक्ष ज्ञान कालेपि, परोक्ष ज्ञान की अवस्था में भी आत्मा की स्वप्रकाशता वैसी के वैसी है। तुमको परोक्ष ज्ञान से थोड़ी आपत्ति हो रही है ना, तो हम पहले समझाते हैं। हम यदि कह रहे हैं कि आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, इसका मतलब आत्मा की स्वयं प्रकाशता नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। परोक्ष ज्ञान काले अपि, परोक्ष ज्ञान क्या है? आत्मा है, आत्मा है। अच्छा, आत्मा है तो कैसा है? तो परोक्ष ज्ञान में हम यही बताते हैं कि आत्मा स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। ठीक है, हमको उसका अभी अपरोक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन जब उसका परोक्ष ज्ञान हो रहा है तो हम यही मानते हैं ना कि आत्मा स्वयं सिद्ध है। उसकी स्वप्रकाशता को हम कुछ खंडित नहीं करते या मना नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि परोक्ष ज्ञान में तो आत्मा स्वयं प्रकाश नहीं है, जब आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होगा तब वो स्वयं प्रकाश होगा, ऐसा नहीं है। अरे जैसे कोई सूर्य का ज्ञान करा रहा है तो सूर्य का ज्ञान पहले परोक्ष ज्ञान करा रहा है, जिसने सूर्य देखा नहीं तो क्या बोला जाएगा? सूर्य नाम की एक चीज है, उसमें प्रकाश है। अब जब उसको परोक्ष ज्ञान करा रहा है तब भी ज्ञान तो हम यही करा रहे हैं ना कि उसमें प्रकाश है। ऐसा थोड़ी कि अभी तुमको सूर्य मालूम नहीं है इसलिए अभी तो उसमें प्रकाश नहीं है, जब तुम उसको साक्षात देखोगे तब प्रकाश आएगा। नो, सूर्य का परोक्ष हो रहा हो या प्रत्यक्ष हो रहा हो, दोनों ही काल में उसकी प्रकाश रूपता समान है। ऐसे ही यहां पर कहते हैं परोक्ष ज्ञान काले अपि विषयस्व प्रकाशता, या विषय का अर्थ आत्म विषय, आत्मा, आत्मा की स्व प्रकाशता परोक्ष ज्ञान के समय भी है। समा ब्रह्म स्व प्रकाशम, स्व प्रकाशता समान है उस ब्रह्म की, चाहे परोक्ष ज्ञान हो रहा हो या अपरोक्ष ज्ञान, दोनों ही अवस्था में ज्ञान उसको क्या होगा कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, मतलब स्वतः चेतन है, जिसको जानने के लिए अन्य किसी वस्तु की जरूरत है नहीं। तो इसलिए तुम एक बात तो पहले समझ लो कि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो तुमको डर लग रहा है कि अरे परोक्ष ज्ञान कर दिया तो फिर आत्मा दूर चली जाएगी, दूर वो गई नहीं है। परोक्ष ज्ञान में आत्मा यही है लेकिन उसको मालूम नहीं है, बस इतनी बात है। स्वयं प्रकाशत्व भी उसका इंटैक्ट है, कुछ हुआ नहीं है। इसलिए परोक्ष ज्ञान की एक अवस्था होती है जब हम कहते हैं कि हाँ है लेकिन अभी मुझको उसका भान नहीं है, अनुभव नहीं है। अब यहां पे इसी बात को लेकर और बड़ा प्रबल तर्क देते हैं ग्रंथकार और कहते हैं परोक्ष ज्ञान संभव है। भाई जैसे दसवें पुरुष की कहानी में भले ही वो दसवां पुरुष अपरोक्ष था, ठीक है ना, लेकिन परोक्ष ज्ञान हो रहा था कि नहीं? जैसे उस संत ने कहा कि दसवां है तो सबको परोक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं, भले ही वो वस्तु अपरोक्ष है, भले ही वो व्यक्ति अपरोक्ष है, वहां ही वही है वो। और यदि कोई कह रहा है कि दसवां है और उसको परोक्ष ज्ञान हो रहा है तो भ्रम नहीं था, एक स्टेज थी तब वो उतना ही पकड़ पा रहा था। ऐसे यहां पर भी है, इसलिए आगे का श्लोक बहुत ही अच्छा है और ये सारे भ्रम निकालने के लिए। देखो जब ये विद्वान लोग आपस में बैठते हैं तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं,
कि आत्मा यदि अपरोक्ष है तो उसका ज्ञान अपरोक्ष ही होना चाहिए, परोक्ष क्या हो? तो बोले नहीं, अपने अनुभव को भी जरा आप टटोलिए, केवल किताबी बात मत कीजिए। इसलिए आगे परोक्ष ज्ञान की सार्थकता बताई जाती है, वो देखेंगे हम कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you.